हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, घर पे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो छोटा सा टॉपिक है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कम्प्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, ओके, और पार्शियल शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अनदर एटम इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम सिंपली देखें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और रिडक्शन क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, लॉस कंप्लीट होगा, लॉस या गेन कंप्लीट होगा जब आयनिक बॉन्ड बन रहे होंगे, ओके, और पार्शियल तब होंगे, पार्शियल शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब होगा जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी? देखो, मेरी एक फ्रेंड है, काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, वो मुझे मैसेज करती है, बार बार लिखती है, ऑल बताओ, ऑल बताओ, ऑल बताओ। अब ऑल क्या बताएं, इतना तोतला। देखो, चलो कोई बात नहीं, हमारी ट्रिक इससे बन गई है। ऑल मतलब ऑल बताओ बोलती है ना, ओ एल। तो ओ से ऑक्सीडेशन एंड एल से लॉस। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ओके। फिर उसके जस्ट अपोजिट रिडक्शन तो हो गई, ठीक। और कई बार ऐसे बना देते हैं ट्रिक, ओ आई एल, ऑयल, और रिग, आर आई जी। ऑक्सीजन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ठीक। तो किसी से भी याद कर लो, बस याद करना हमें। तो और एक और डेफिनेशन है जो हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे पढ़ते हैं, होता तो सब कुछ वही है, बट हम वो लास्ट में देख लेंगे, ओके। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर से फिर कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, इसलिए बीच में वो नहीं पढ़ाऊँगा। देखो, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन होगा, ओके, और जब ये दोनों रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। देखो, एक देगा तो दूसरा लेगा ना, या एक लेगा तो दूसरा देगा, ओके। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं फिर? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों होती हैं। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन एक साथ होते हैं, नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा, ओके। तो चलो देखते हैं। देखो, जैसे है एन ए प्लस सी एल टू, ये हुआ एन ए सी एल, बैलेंस करो, यहाँ टू, यहाँ पे ये टू हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, Na ने एक भी इलेक्ट्रॉन ना किसी को दिया था ना किसी से लिया था, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कितने दिए कितने लिए, ओके। क्लोरीन यहाँ पे भी जीरो हो गया इसका भी। अब देखो यहाँ पे Na ने Cl को एक दे दिया, ओके, तो Na का वन पॉजिटिव हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, और Cl का वन नेगेटिव हो गया। तो देखो Na का क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑल, ओके। और Cl का क्या हो गया, यहाँ पे इसने गेन किया तो इसका रिडक्शन हो गया। अब देखो Na के कारण Cl का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। Na के कारण Cl का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब ये एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट कौन होते हैं? जो कुछ काम कराते हैं। तो इस Na एजेंट ने क्या काम कराया, रिडक्शन कराया। Cl के कारण Na का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो Cl क्या हुआ, एक एजेंट हुआ जिसने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, खुद का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, हाफ रिएक्शंस होती हैं, लिखते हैं, कुछ नहीं होती हाफ रिएक्शंस, बस वो ये होती है कि ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हो रही है उसको अलग लिख लेते हैं, या रिडक्शन जो रिएक्शन हो रही है उसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस कर लेते हैं, ठीक। Na, इसका क्या हो रहा है, Na इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन Cl2 ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो ये 2Cl नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, हर एक Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये 2Cl नेगेटिव, Na यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक। देखो इसको बैलेंस करते हैं, अगर बैलेंस करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, कैसे मिले, जब Na 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा, और कब छोड़ेगा, जब खुद वो 2 एटम्स होगा, ठीक। अब बैलेंस कर लो, 2Na प्लस Cl2,
तो NaCl, 2NaCl, ओके। अब देखो एक और रिएक्शन है, उसके बाद मैं रिडॉक्स रिएक्शन समझाऊंगा कहाँ कभी कभी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है। तो देखो एक रिएक्शन है, सबसे पहले Cu प्लस Ag2SO4, यहाँ हो गया ये CuSO4 प्लस CuSO4 प्लस 2Ag, ठीक। अब यहाँ पे देखो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, Ag का यहाँ पे क्या है, प्लस 1 है। देखो SO4 को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ओके। तो 2Ag एक एक देंगे, तो यहाँ पे इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, Cu ने मतलब Ag की जगह Cu आ गया, ठीक। तो इसका 2 प्लस ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, इसका 2 नेगेटिव, अरे इसका ये 0 हो जाएगा, ओके। अब देखो Cu का क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का काम कर रहा है ना, ओके। Ag का क्या करा रहा है, वो रिडक्शन करा रहा है, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट ये हुआ। और Ag क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखो एक ऐसी रिएक्शन देखते हैं जो रिएक्शन तो होती है बट ना उसमें ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा रिडक्शन भी नहीं होगा, मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन भी नहीं होगी। तो देखते हैं NaCl प्लस AgF NaF प्लस AgCl, Cl ठीक से नहीं बन रहा है, Cl, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं सबका, ठीक। Na का प्लस 1, Cl का माइनस 1, प्लस 1 इसका, माइनस 1 इसका, प्लस 1 इसका, माइनस 1 इसका, प्लस 1 इसका, माइनस 1 इसका, ओके। Cl का ये माइनस 1 हो गया। अब देखो किसी का चेंज हुआ, किसी का भी चेंज नहीं हुआ। Na का 1 पॉजिटिव था, यहाँ भी 1 पॉजिटिव, सबका वही है, Cl का ये है, Ag का वही है, ठीक। तो यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। एक चीज़ और, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होगा, ठीक। दिखा देता हूँ कैसे, देखो Na प्लस Cl2 है, ये हुआ NaCl, 2NaCl, ये 2, इसका यहाँ पे 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 1 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे Cl का माइनस 1 आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, इसलिए रिडक्शन हुआ है, ओके। देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या होता है कि किसी का 0 रहता है पहले ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद कितना हो जाता है, माइनस 2 हो जाते हैं, तो सोचते हैं ये इंक्रीज़ हो गए, असल में तो ये डिक्रीज़ हुआ है ना, क्योंकि ये माइनस में, और अगर डिक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, समझ रहे हो। कई बार पहले क्या होता है, माइनस 2 था पहले, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो असल में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ओके, समझ में आया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है तो उसका रिडक्शन होगा। तो आया अच्छे समझ में, तो ठीक है।